open your textbook, page number 20, and in which you have to just write about your favorite food. So after discussion, now we are going to write about 3 or 4 sentences about mangoes. हम लिखने वाले हैं मैंगो फ्रूट के बारे में. किसके बारे में? मैंगो के बारे में. सो फर्स्ट सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट. मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट. एंड सेकेंड वन, वी कैन राइट दैट color of mango, the color of mango is yellow. Mango is our national fruit. Mango our national And the last sentence, for example, we can't make mango juice. Mango juice from mangoes. हम mango juice में से उसके mangoes, sorry, mangoes में से हम mango juice भी बना सकते हैं. तो आपको इतने जो सेंटेंस है वो आपकी बुक में लिखना है, बिकॉज वी डोंट हैव मच स्पेसेस. हमें बहुत ज्यादा स्पेसेस नहीं है, तो हम इतना अभी लिखने वाले हैं. ओके, सो मूविंग ऑन पेज नंबर 21. नाउ वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो हाउ डज इट स्मेल? हाउ डज इट smell? So we can write that it smell like it smell is normally sweet for it. It
sometimes sweet or salt. Okay, so we have that the answers of 5 questions about mangoes. Then our next exercise is about a breathing exercise. Breathing exercise है. So page number 21. A breathing exercise. So what you have to do? So close your right nostril with your right thumb. आपका जो nose है, उसका जो right वाला ये जो nostril है, उसको आपको क्या करना है? Close. इससे आपका जो thumb है, उसे आपको क्या करना है? Close करना है. Close your right nostril with your right thumb. चलो फटाफट आपका जो nose है उसकी जो right nostril है दोनों नहीं सिर्फ right nostril को आपको close करना है आपके thumb को. Inhale slowly throughout your left nostril till your lungs are filled with air. आपको धीरे धीरे क्या करना है सांसें लेना है inhale लेना है और तब तक inhale तब तक सांसें लेना है जब तक आपका मतलब जो lungs है वो पूरी तरह एयर से भर नहीं जाता फिर आपको क्या करना है नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल एयर लेने के बाद आपको जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसको क्लोज करना है एंड जो राइट नोस्ट्रिल है उससे आपको क्या करना है जो सांस से जो आपने अंदर भरी है वो धीरे 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 एक्सहेल करना है रिमूव योर फिंगर फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू आउट इट और उसको धीरे धीरे आपको एयर को निकालना है Repeat this exercise slowly in the beginning and practice increase your speed. और ये जो exercise में वो आपको धीरे 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 करना है क्या करना है तो सबसे पहले right nostril है आपको उसको close करना है आपके thumb को फिर क्या करना है left nostril से आपको सांसें लेना है फिर आपको इसको close करना है और ये जो right वाले nostril है उसको फिर आपको धीरे धीरे छोड़ना है ये जो exercise है वो आपको continue करनी है इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स अगर हो तो वो मतलब कम हो जाती है एंड सेकंड नंबर कि इससे जो फ्रेश एयर है मतलब कि आपके जो बॉडी फंक्शन जो है ना वो एकदम फ्रेश और एक्टिव मूवमेंट जो है वो ज़्यादा कैचअप करता है उसको फील करता है जिसकी वजह से आप एकदम फ्रेश और तरोताज़ा हो जाते हो So, do you know fish breathes from its gills? So, जैसे हमने कहा कि जो fish है वो gills से breathe करती है. So, here we have to write some of the animals which can breathe underwater. जो पानी में भी breathe ले सके. So, जैसे students ने बताया, then octopus, क्या है? Octopus, then shark, whales. Sea horse, उसके बाद water snake, crab. एक्वाटिक एनिमल ये पानी के अंदर रहते हैं और जो लोग सांसें ले सकते हैं ठीक है तो ये है फर्स्ट का आंसर देन सेकंड में क्या है देखो पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज नीचे एक पैसेज दिया पैराग्राफ उसमें ना थोड़ी थोड़ी क्या है मिस्टेक्स है मतलब कि कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है कहीं पे कैपिटल्स नहीं है तो जहाँ पर भी कैपिटल लेटर नहीं है उसको हमें क्या करना है उसको हमें रीचेंज करना है मतलब कि उसको हमें सुधारना है वहाँ पे ठीक है और जो करेक्ट है वो हमें वहाँ पे लिख लेना है जैसे कि मदर फादर तो या तो हमें ये लिखना चाहिए कि मदर एंड फादर या फिर हमें मदर के बाद कोमा करना चाहिए ठीक है एंड प्लस कि दोनों कैपिटल में होने चाहिए ना किस में होने चाहिए कैपिटल में तो फिर लिखो कैपिटल में लिखो एम मदर फिर बीच में एन भी लिख सकते हो
हैं, उसने थर्ड नाम भी दिया है देखो, मदर फादर एंड नीलम, मदर फादर नीलम ऐसा लिखा है देखो, तो हम एंड जो है ना वो फादर के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पे कोमा मदर फादर एंड नीलम, नीलम और जो कैपिटल में नहीं था वो हमने कैपिटल में लिखा, क्यों कैपिटल में लिखा, क्योंकि जो नीलम है फादर है एंड मदर है वो क्या है प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन हमेशा किसमें तो वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, तो ये हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। फिर सेड, फिर आई देखो वापस स्मॉल लेटर में है तो हमें कैपिटल में लिखना होगा, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फायर इंजन engine.